दोस्तों, वर्डप्रेस सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने वर्डप्रेस करना कौन सा है, क्योंकि मार्केट में एक नहीं दो दो तरह के वर्डप्रेस है, एक wordpress.com और एक wordpress.org। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि क्लाइंट्स को भी, ज़्यादातर क्लाइंट्स को ये पता नहीं होता कि उन्होंने .com वाला वर्डप्रेस यूज़ करना है या .org वाला। तो आप ये वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्लाइंट को किस तरह गाइड करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्यानंद स्लिमी और आप देख रहे हैं दी स्लिमी चैनल। तो जनाब, अब हम देखते हैं कि wordpress.com और .org में क्या फ़र्क है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि आपके पास जब क्लाइंट आते हैं, ज़्यादातर मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं उसमें ये हुआ है कि कुछ क्लाइंट्स डील कर लेते हैं, जब उनकी होस्टिंग के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन पूछता हूँ, सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता हूँ, तो वो ब्लैंक होते हैं कि उनके पास कोई सर्वर नहीं है। सर्वर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो जिस वर्डप्रेस के बारे में वो बात कर रहे होते हैं वो wordpress.com होता है, और बाद में मुझे लिटरली उन्हें गाइड करना पड़ता है कि .com और .org में क्या फ़र्क है। फिर उनको मैं होस्टिंग सर्वर वगैरह सारा कुछ लेके देता हूँ। इस होस्टिंग सर्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको पहली स्लाइड नज़र आ रही है। एक तरफ मैंने .com और एक तरफ .org लिखा है। अब .com का क्या मतलब है और .org का क्या मतलब है, आप फायरफॉक्स पे जाओ और यहाँ पे लिखो wordpress.com और एक टैब ओपन करो और लिखो wordpress.org। मैं ऑलरेडी अपने .com के अकाउंट में लॉग इन हूँ, इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है जी, जब आप ओपन करोगे तो आपको ये नज़र आएगा और .org पे आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी। अब ये दोनों जो वेबसाइट हैं वो एक ही कंपनी की हैं, जिसका नाम है ऑटोमेटिक। ये लास्ट पे आपको नज़र आएगा .com के लास्ट पे एन ऑटोमेटिक कंट्रैप्शन। ठीक है, अब ऑटोमेटिक कंपनी ने .com भी बनाई है और .org भी। बेसिकली .com और .org में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि .org में आपको वर्डप्रेस की वो जो रियल फाइल्स हैं जिनके ऊपर वर्डप्रेस बना है आपको वो मिल जाती हैं, जबकि .com जो है वही फाइल से ही बना है, लेकिन वो आप उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है .com और .org। .com पे आप जाते हो, वहाँ जाके आप सिंपली यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके एक अकाउंट बना लेते हो और आपको एक ब्लॉग मिल जाता है, आपको एक ब्लॉग मिल जाता है, और आपको ना सर्वर मेंटेन करना पड़ता है ना कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है, अगर आपने सिर्फ उसी ब्लॉग के इर्द गिर्द रहना है। तो सबसे पहले देखते हैं .com का, लिखा जी नो एक्सेस टू सर्वर वर्डप्रेस फाइल्स, You cannot edit any files. अब .org पे जाओ तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड वर्डप्रेस, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आप डाउनलोड वर्डप्रेस 4.9 पे क्लिक करके आप वो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो जो एक पूरा वर्डप्रेस है। लेकिन वर्डप्रेस ऐसे ही डाउनलोड करके आप उसे चला नहीं सकते, आपको एक सर्वर चाहिए होता है। यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है नो एक्सेस टू सर्वर। अब वर्डप्रेस जो है वो PHP पे बना है, HTML, CSS, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, इन लैंग्वेजेस पे बना है, जिनका हम बाद में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने सीखना विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाना, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो वर्डप्रेस बना है इन सारी लैंग्वेजेस पे। अब जो PHP है वो एक सर्वर के बिना नहीं चलती। सर्वर आप समझ लो एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो PHP को प्रोसेस करता है, उस लैंग्वेज को पढ़ता है और उसके बाद आपको सारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो दिखाता है। तो ये जो wordpress.org से आप वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो, ये आप या तो अपने कंप्यूटर में पहले सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, फिर उसके अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, जो स्क्रिप्ट आपको wordpress.org से मिलता है। जबकि .com पे ये जो ऑटोमेटिक कंपनी है, इन्होंने पीछे अपनी कंपनी में सर्वर रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं। आप जब यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो तो आपका उस सर्वर के अंदर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक लिंक मिल जाता है
जैसा कि subten.wordpress.com। ये काफ़ी पुराना ब्लॉग है, मैं अभी इसे यूज़ नहीं करता। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये एक ब्लॉग है, और आपको जो यहाँ पे लिंक दिया है जिसे हम डोमेन कहते हैं, और ये जो आपको दी गई है ये सब डोमेन है। डोमेन होती है wordpress.com, और आपके सामने एक .com से पहले wordpress से पहले एक सप्तैन लिखा नज़र आ रहा है। तो ये सब डोमेन आपको दी गई है, मतलब आप अपनी डोमेन subten.com यहाँ पे फ्री में नहीं लगा सकते, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये जो ब्लॉग है सारा ये wordpress.com पे बना हुआ है, ठीक है जी। तो .org के लिए आपको एक सर्वर चाहिए जो आप सेपरेटली परचेज करते हो, अगर आपने अपनी वेबसाइट ऑनलाइन रखनी है, दुनिया को दिखानी है, या फिर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, सीख सकते हो। हम अगली क्लास में देखेंगे कि आपने .org जो स्क्रिप्ट है उसको किस तरह इंस्टॉल करना है। मैं आपको पहले ऑटोमेटिक तरीका बताऊंगा, मैनुअल तरीका जो है वो इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैनुअल तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और सर्वर इंस्टॉल करना ज़रा आपको मुश्किल लगेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ऑटोमेटिक तरीके से किस तरह wordpress.org वाला जो स्क्रिप्ट है वो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना और वहाँ पर वेबसाइट बनानी है। तो .com में आपको कोई सर्वर परचेज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, और .org में आपको एक सर्वर परचेज करना पड़ता है, यहाँ आप अपने लैपटॉप में उसे इंस्टॉल कर सकते हो। लैपटॉप वाला जो है वो दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है जी। अब .com में आप किसी फाइल को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर ही ऑटोमेटिक वालों के पास पड़ा हुआ है, तो आप किसी उस सर्वर के अंदर सारी फाइल है तो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी जाती। .org में क्योंकि सर्वर आपका अपना होता है, आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो या जहाँ भी ऑनलाइन सर्वर खरीदोगे, वो भी हम देखेंगे आप कहाँ पे खरीदते हो, तो अपने सर्वर में आप अपनी जो फाइल्स हैं वो एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, लिमिटेड थीम। अब wordpress.com में बहुत ही लिमिटेड थीम्स होते हैं, ज़्यादातर लेटेस्ट डिज़ाइन के इतने नहीं होते। उसके साथ साथ जो थीम आपने, अगर फ्री थीम आप यूज़ करते हो, अगर आपने कोई लेटेस्ट डिज़ाइन का थीम देखना भी है तो पैसों का होगा, वो आप परचेज करोगे और उसके बाद उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते, उसकी फाइल्स को आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन .org में जो लेटेस्ट थीम्स होते हैं, एक तो जो भी कंट्री का ट्रेंड चल रहा है, सारे डेवलपर्स के अंदर मुकाबला हो रहा होता है और वो लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आते हैं, और एक थीम आप परचेज करते हो तो उसके उससे किस कई तरह की कोई भी बिजनेस जो है उसकी वेबसाइट बन जाती है और उसकी फाइल्स को भी आप एडिट कर सकते हो। अब .com में प्लगइन्स आप नहीं लगा सकते। प्लगइन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके एंड्रॉयड के अंदर कोई कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन नहीं है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और उसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन आ जाता है। इसी तरह वर्डप्रेस के स्क्रिप्ट के अंदर प्लगइन्स होते हैं, लोगों ने डेवलपर्स ने कोडिंग करके प्लगइन्स बना दिए, आपने उनको बस इंस्टॉल करना है और उनसे अपना जो काम वो प्लगइन करते हैं वो आपने करना है। .com में आप प्लगइन यूज़ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप उन्हें $299 पर ईयर पे करो, एक उनका बिजनेस प्लान है, वो अगर आप खरीदोगे तो फिर ही आप प्लगइन यूज़ कर सकते हो। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, अब यहाँ पे सी प्लान पे क्लिक करो तो ये सारे प्लान्स आ गए। अब यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है इसके अंदर आप इंस्टॉल प्लगइन्स कर सकते हो, जबकि .org में आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री हो या पेड हो, और उनको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, उनको एडिट भी कर सकते हो उनकी फाइल्स को। उसके बाद wordpress.com में आपको सब डोमेन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल subten.wordpress.com। अगर आपने subten.com पे wordpress.com अटैच करना है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगी। .org इंस्टॉल ही मेन डोमेन पे होती है subten.com पे। आप ऑल दो बाद में हम देखेंगे कि एक सी पैनल होता है उसके अंदर से हम सब डोमेन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी वो आपके लिए इजी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है wordpress.org के लिए आपको, क्योंकि एक सर्वर चाहिए होता है और वो सर्वर आपने परचेज करना होता है ऑनलाइन, तो उसकी जो कॉस्ट है जो मिनिमम आपको मिल जाता है वो $4 per month पे अच्छा सर्वर आपको मिल जाता है। पाकिस्तान में 1500 रुपया सालाना या 2000 सालाना पे भी आपको डोमेन भी मिल जाती है और सर्वर भी मिल जाता है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं .com पे।
com पे अगर आपने ब्लॉग बनाया होगा तो आप फ्री, अगर आपने ब्लॉग बनाया होगा फ्री प्लान को यूज करते हुए, तो आप उस पे एडसेंस नहीं चला सकते, कोई एड नहीं चला सकते। लेकिन अगर .org पे आपने सर्वर खरीद के उसके अंदर wordpress.org का स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया होगा, तो उस पे आप पहले दिन से ही ऐड चला सकते हो। .com पे तब ऐड चला सकते हो जब आपका बिजनेस प्लान होगा, मतलब आप बिजनेस प्लान लोगे तो फिर जाके थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन उसमें भी काफी लिमिटेशन है। और .org पे आपने सिर्फ $4 पर मंथ दिया करने है, और उसके अंदर आपको सर्वर भी मिल जाता है, और उस सर्वर के अंदर आप एक से ज्यादा वेबसाइट भी रख सकते हो। .com में जो वेबसाइट का फुटर होता है सबसे नीचे जो लिखा होता है कॉपीराइट 2017, उसके साथ wordpress.com का लिंक लगा होता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये वेबसाइट .com पे बनी है, और लिंक लगा हुआ किसी बिजनेस वेबसाइट के नीचे अच्छा नहीं लगता। तो उसके नीचे लिंक लगा होता है कॉपीराइट का, .org में ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है जी .com में लेटेस्ट जो एनालिटिक्स है गूगल एनालिटिक्स, वो इंटीग्रेट नहीं होता, .org में हो जाता है। और .com में आप ई कॉमर्स की वेबसाइट ऑनलाइन अगर आपने सेल करना है वो भी आप नहीं बना सकते। .org में आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, अगर आपको कोडिंग आती है तो फिर तो आप किसी भी तरह की बना सकते हैं, अगर कोडिंग नहीं आती तो थोड़ी सी लिमिटेशन रह जाती है। उसके बाद .com में आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, लेकिन .org में क्योंकि सर्वर भी आपका है, स्क्रिप्ट भी आपके पास है, फाइल्स भी आपके पास है, उनकी मेंटेनेंस, उनको हैक होने से बचाना, उनके कोई हैकिंग कोड अगर किसी ने डाल दिया उसको डिलीट करना, ये सारी मेंटेनेंस और इसकी अपडेशन, लेटेस्ट प्लगइन आया, लेटेस्ट थीम आया, वर्डप्रेस अपडेट हुआ है, वो सारा कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो अगर कोई आर्टिकल राइटर है, किसी बंदे का ये काम है कि उसने बस लिखना है और दुनिया उसके ब्लॉग पे आए, तो मैं रिकमेंड करूंगा वो .com पे जाए, और वो नहीं चाहता किसी टेक्निकल बंदे के साथ बातें करना या उनसे काम करवाना, किसी को हायर नहीं करना चाहता, तो वो .com पे चला जाए और वहां पे जाके एक फ्री वाला प्लान ना ले, पर्सनल या बिजनेस प्लान ले ले, और उसमें एक डोमेन अपनी अटैच कर ले, और डोमेन अटैच करने के बाद वहां पे आर्टिकल राइटिंग करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपका एक बिजनेस है और आपने कंप्लीट वेबसाइट बनानी, तो आपको wordpress.org से स्क्रिप्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको एक सर्वर बाय करना पड़ेगा, एक डोमेन बाय करना पड़ेगी जो कि सर्वर के साथ फ्री आती है एक डोमेन, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, वो बाय करना पड़ेगी आपको, और फिर wordpress.org का स्क्रिप्ट उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस का फ्रंट एंड और बैक एंड आ जाता है, और उसके बाद फिर आप उस पर वेबसाइट बनाएंगे। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो कहे, उसका ये नज़रिया हो कि भाई .com पे मैंने अकाउंट बना लिया तो यहाँ पे वेबसाइट बना दो, तो आपने कहना सर इस तरह नहीं होता, आपको लिटरली उसे सिखाना पड़ेगा कि .com और .org दो सेपरेट चीज़ें हैं। .org जो है उसके लिए आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा, कहाँ से खरीदना पड़ेगा अगली क्लास में देखेंगे, और .org के लिए आपको एक डोमेन भी खरीदनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप उसे सिखाओगे, उसे बताओगे, फिर वो एक तो है ट्रस्ट पैदा होता है कि भाई ये फ्रीलांसर मेरी इतनी मदद कर रहा है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ और आप उसकी मदद कर रहे हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो आपके पास ही, आपसे ही काम करवाता है। तो जनाब आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह रेगुलरली बेसिस पे नए नए वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।